नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी की से है, जहां तिकोनिया पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से गुजरात जा रही एक बस में एसएसबी ने नेपाल से तस्करी कर ले जाई जा रही विदेशी सिगरेट, पान मसाला, नूडल्स की बड़ी खेप को पकड़ा। मौके से एक नेपाली तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। इन दिनों इंडो नेपाल बॉर्डर से सैकड़ों ऐसी डग्गामार बसें चलती हैं, जो अवैध रूप से नेपाल से भारत में कई शहरों में सवारियां ढोते हैं। इन्हीं बसों के माध्यम से तस्कर नशीले पदार्थ, मशीनरी के पुर्जे समेत अन्य प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं। बीती रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर से गुजरात के राजकोट जा रही एक बस को तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र के बरसोला में रोक कर चेकिंग करी, तो बस में भारी मात्रा में विदेशी सिगरेट, पान मसाला, नूडल्स भरी बरामद किए गए। माल की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई गई। मौके से एक नेपाली तस्कर चंदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। युवक के पास से गुजरात में बना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बरामद हुआ। तस्करों के पास से पैन कार्ड और आधार कार्ड मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। इस तरह विदेशी तस्करों से देश की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंच रहा है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में धड़ल्ले से अवैध रूप से बसों में सवारियां ढोई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। पकड़े गए तस्कर चंदन सिंह ने बताया कि जो नेपाल के रहने वाला है, तस्करी करके बड़ा माल गुजरात ले जा रहा था। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। फिर से बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? टीकापुर। क्या नाम? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह, माल किसका है? मेरा है। तुम्हारा ही है? बिल तुम्हारे नाम से है? कस्टम करवाए थे? नंबर 2 से लेके आए थे? नंबर 2। क्या क्या है तुम्हारे माल में? क्या क्या है? चाव चाव है, है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।